वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज मैंने रसम बनाया है और बहुत मज़ेदार और बहुत खुशबूदार बना है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको परफेक्ट रसम बनाने की रेसिपी सिखाऊंगी और ये रेसिपी आप राइस के साथ, इडली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है, कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने हमारे रसम के लिए। मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। देखिए अब मैं इसमें एक प्याज डाल दूंगी, एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने अच्छे से कट कर ली थी। प्याज को मैंने डाल लिया है, हाफ टी स्पून नमक डालूंगी, बस हमें इतना ही डालना है इसमें, और अच्छे से मिक्स कर लूंगी और एक सीटी आने तक इसको लिड को मैं बंद कर लूंगी। मैं लिड को अच्छे से बंद कर लूंगी, हाई फ्लेम पर एक सीटी आने तक मैं रख लूँगी। जब तक हमारे कुकर की सीटी आती है तब तक हम ये मसाले ग्राइंड कर लेंगे। मैंने थोड़ी सी इमली ली है, दो लाल मिर्च जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया, धनिया के बीन जो होते हैं ऐसे, उन्हें मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसे मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। हमें दरदरा करना है पाउडर, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, दरदरा करना है। देखिए हमारी विजिल हो रही है, मैं अभी इसे ऑफ कर लूँगी। देखिए अब मैं लिड खोलकर देख रही हूँ, हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। थोड़ा सा इन्हें अच्छे से मैश कर लूँगी, बस हमें मिक्सी में नहीं डालना है इसे, अच्छे से ऐसे मैश करना है। मैंने गैस को ऑन कर लिया और इसमें हमें जितना पानी चाहिए मैं उतना पानी डालूंगी। आप अगर टमाटर ज़्यादा ले रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। मैंने 5 टमाटर लिए थे, आप कंसिस्टेंसी जितनी चाहिए आप उतनी ले सकते हैं। देखिए मैंने इसमें पानी डाल लिया है और जो मसाला मैंने ग्राइंड किया हुआ था वो भी इसमें डाल लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ डालूंगी और नमक चेक कर लूंगी। नमक थोड़ा कम है और थोड़ा मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और इसे अच्छे से बॉईल आने तक हम कुक करेंगे। देखिए ये अभी इतनी कंसिस्टेंसी है हमारी, प्याज पूरे अच्छे से हमने मैश नहीं किया है। हमारा और थोड़ा गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा पानी डालूंगी। देखिए इतनी कंसिस्टेंसी मैंने बना ली है। रसम थोड़ा पतला ही रहना चाहिए। देखिए अच्छे से बॉईल हो रहा है, मैं फ्लेम को लो कर लूंगी। 1 मिनट तक ऐसे ही ये बॉईल होता कि हमारे मसाले अच्छे से खुशबू छोड़ दे अपनी। देखिए अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब मैं इसे एक बॉईल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं थोड़े सा 1/2 टीस्पून इसमें राई डालूँगी। हमारी राई हो चुकी है, अब मैं इसमें थोड़े से लहसुन को दरदरा मैंने कूट लिया था, बस दरदरा कूटे हुए लहसुन डाल दिया है और थोड़ी सी इसमें मिर्चें डालूँगी मैं और फ्लेम को ऑफ कर लूँगी। फ्लेम को इस वक्त ऑफ करना हमें ज़रूरी है, वरना हमारा ये जो तड़का है वो जल जाएगा। देखिए फ्लेम को ऑफ कर मैं चला रही हूँ। अब थोड़ी सी हींग डालूँगी, थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा सा मिर्च पाउडर। मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया था ताकि हमारा तड़का जल ना जाए, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी। हमने हल्दी नहीं डाली थी, अभी तड़के में हम हल्दी डालेंगे, और थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी हरा धनिया, कोथिंबीर थोड़ी सी डालूंगी। हमारी फ्लेम ऑफ है, ऐसे ही हम चला लेंगे, थोड़ा सा ये तड़का ठंडा हो जाए, बहुत गर्म हमें नहीं डालना है।
देखिए हमारा तड़का थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें डाल लूँगी। अच्छे से खुशबू आ रही है हमारे रसम की, या आप इडली के साथ और राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।